हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबको रौनक की किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज गई थी एक शादी में, तो शादी अटेंड करके तो आ गई। अभी मैं इंट्रो दे रही हूँ क्योंकि मैं जा रही थी शादी में, तो इतनी बिजी थी और जल्दबाजी में थी, तो इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ा। और शायद हम लोग पहले पहुँच गए आ रही जहाँ पर हम लोग शादी में गए थे। मेरे हबी का स्टाफ का एक लड़की का शादी था और उसी शादी में हम लोग गए। तो देखिए गाइस, मैं क्या पहनी थी। सूट पहन के गई थी क्योंकि मैं सुबह इस्लामपुर गई थी अपने मम्मी पापा के घर। वहाँ से मुझे फुर्सत नहीं मिला, आते आते लेट हो गया, तो जल्दीबाजी में मैं साड़ी नहीं पहन सकी क्योंकि मुझे साड़ी पहन के जाना था, नहीं पहन सकी। तो जल्दीबाजी में मैं सूट पहन ली। देखिए ये पर्पल कलर का सूट है, कैसा लग रहा है आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और जिस शादी में गई थी तो वहाँ पर जो है ना दुल्हन को देख पाई ना दूल्हा को देख पाई, तो हम लोग जल्दी चले गए थे। शायद जल्दी चले गए थे और दुल्हन तब तक ही रेडी होके आई नहीं थी, तो हम लोग नहीं देख पाए। हम लोग जल्दीबाजी में चले गए शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। और तो वहाँ पे गए, सबसे मिले, दुल्हन की मम्मी से मिले, पापा से मिले, सबसे मिले। उसके बाद हम लोग डिनर किए करके फिर हम लोग निकल गए। तो उसी शादी का एक छोटा सा ब्लॉग मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ, जो मैं वहाँ पर की, जिस जिस से मिली, तो बस उतना ही है आज का वीडियो में। और वही आप सब देखिए और इंजॉय कीजिए। तो देखिए शादी में कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, किससे बातें की, क्या क्या की, वही सब आप लोग देखिए और इंजॉय कीजिए। देखिएगा इस शादी में आ गए हैं, मतलब इतना खूबसूरत से डेकोरेट किया गया है। रोजा आ गई है, हम लोग का गाड़ी उधर है। देखिए गाइस, हम लोग स्टेज में पहुंच गए हैं और जहां पहुंचे थे वहां पे दूल्हा के लिए स्टेज बनाया गया था और हम सब बैठ गए थे। तो सभी ने बोला कि आप लोग पर्दे के पीछे जाके बैठिए क्योंकि यहां पे बाराती बैठेंगे। तो हम लोग अंदर चले गए क्योंकि यहां लेडीज़ के लिए अलग था, जेंट्स के लिए अलग था। और ये जो शादी का सेलिब्रेशन हुआ है ये होटल सिल्वर में हुआ है, बहुत खूबसूरत सा ये होटल है और मैरिज हॉल है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे अच्छे से डेकोरेट किया गया है और बहुत अच्छा लगा। सब कोई गए और सबसे मिले, बहुत सब आदमी थे, तो जो भी मेरे से जान पहचान का था सबसे मैं मिली। और उसके बाद हम लोग जाके सब कोई बैठे, तो वहाँ पे जहाँ बैठने के लिए बोले तो वहाँ पे बैठे, तो हम लोग सीधा जाके डाइनिंग पे जाके बैठ गए क्योंकि हम लोग को जल्दीबाजी था। हम लोग डिनर करके फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। कैसा लग रहा है? देखिए गाइस, मुझे प्यास लगी थी तो पानी पी रही थी, तो दुल्हन की जो मम्मी है मेरी भाभी जी, वो मुझसे मिलने के लिए आए और बहुत अच्छे से मिले। बहुत अच्छी है भाभी और हम दोनों बातें किए और अच्छा लगा भाभी से मिलके। यहाँ खाने पीने का अरेंजमेंट हो रहा है और यहाँ कुछ गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं,
कुछ गेस्ट खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठ गए हैं और यहाँ पे सारी लेडीज ही लेडीज हैं। अभी तक बारात आई नहीं है, दुल्हन भी आई नहीं है जो आप सबको दिखाया। ये दुल्हन की मम्मी है जो आ रही है, कुछ देर मेरे पास आई थी कुछ देर पहले। शादी से होके आ गए और वहाँ तो लड़की लड़का दूल्हा दुल्हन कुछ भी नहीं देखे, अच्छा भी नहीं लगा। और यहाँ पे हम लोग सुभाष वाली में रुके हैं, मेरी बेटी गई है आइसक्रीम लेने। ए रोजा, तुम्हारा बाजी के लिए भी ले लेना, बाजी के लिए आइसक्रीम है कि नहीं। अच्छा तुम ले लो, कैसा आइसक्रीम है? वही सॉफ्टी है, थोड़ा हमको चटवाना खा लो, हम खाते तो है नहीं। देखिए भैया लाइट ऑन करना तो रोजा गाड़ी का, थोड़ा देखे हम भी कैसे देखे, हमको भी टेस्ट कर दे। मीठा, इतना मीठा खाओगी? कल से वापस जिम कल से वापस जिम जाओगी। देखिए वो सॉफ्टी खा रही है और इतना मीठा है क्या बताए। ये पहला शादी होगा ऐसा जो हम लोग दूल्हा दुल्हन कुछ भी नहीं देखे, है ना? ऐसा लग रहा था हम लोग खाने के लिए गए थे और खा के आ गए, है ना? अजीब सा लग रहा था। और ये जो मेरी बेटी है जिसकी शादी में हम लोग गए थे, वो क्या करके बोलती हो उसको तुम? मोना दीदी। मोना दीदी, वो मोना दीदी से मिलने के लिए गई थी कि मोना दीदी दुल्हन के रूप में कैसी लगती है? बट वो मिली नहीं, बहुत लेट हो गया था, बहुत लेट हो रहा था तो हम लोग को निकलना पड़ा फटाफट। हाँ गाइस, अगर हम लोग रुकते तो शायद उससे मिल पाते, 10 बज जाता है। क्या करें, रुके नहीं हम लोग, टाइम बहुत हो रहा था। अभी हम लोग का कितना हो रहा है, 10 बज रहा है ना अभी ना? कितना टाइम हो रहा है? 9:30। 9:30 हो रहा है, जल्दी से हम लोग निकल गए। शायद हम ही लोग जल्दी कर गए इसीलिए हम लोग दुल्हन से मिल नहीं पाए, बारात से मिल नहीं पाए, दूल्हा को देख नहीं पाए। हम ही लोग का गलती है, शायद हम लोग जल्दी पहुंच गए थे, है ना? इसीलिए हम लोग देख नहीं पाए। देखते हैं, कोई बात नहीं, खाए वहाँ से, आदमी से मिले, भाभी जी से मिले, भैया से मिले, चले आए। आन कितना वापस आया? 10 रुपीज़। देखे रोजा, दो पीस मंगवाई ना? एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। अच्छा, और भैया आप क्यों नहीं लिए अपने लिए? हम खाए हुए। अच्छा, आप खाए हुए हैं, चलिए अब घर चलिए, अब क्या कर सकते हैं, दूल्हा दुल्हन से तो मिले ही नहीं। अब घर जा रहे हैं। एसी बंद करना चाहिए ना? अच्छा, हमको याद नहीं, उसको याद नहीं था एसी बंद करने का। उतर जाते हैं, पहले उतर गई हो तो है। अच्छा, ये सॉफ्टी तुमको मिल गया, देखो लाके तुमको दे दी। वो सॉफ्टी क्यों दे दिया मुझे पता है, इतना मीठा है इसीलिए। इसमें फूंक दिया था।